हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साई सबूर एसटी टेलिंग क्लास पर। आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे, कटवर्क सीखेंगे हनीकॉम विदाउट आरी वर्क के और बिना सोल्डरिंग आयरन के। तो चलिए इसे बनाते हैं। दोस्तों मैंने कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं, आप भी कुछ अपनी पसंद से बना लेना। यहाँ पर हम साटन स्टिच का इस्तेमाल करेंगे इस टाके को भरने के लिए। हम इसमें सिर्फ आउटलाइन देंगे, बाकी का छोड़ देंगे, बाकी में हल्का हल्का साटन स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। जो ये सारा पीस है बाकी का हम काट के निकाल देंगे और बाद में इसमें क्या करना है, हमने थोड़े थोड़े पीस मार्जिन रखेंगे ताकि हम इसको अच्छे से फोल्ड कर सकें। फोल्ड आप कच्चे टाके से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, तुरपाई से भी, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारा फोल्ड कर देंगे। देखिए अब हम इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने काज वाला टाँका लिया है। हम इसी से जैसे हनी कॉम होता है जाला जाला, उसी प्रकार से हम इसे बना लेंगे। डबल धागा लेंगे, टाँके पास पास लेंगे, अच्छे से खींच के रखेंगे। जैसे आपने पहले काज बनाना सीखा होगा तो उसी प्रकार से हमें बनाना है। पहली वाली जो लाइन है, पहली लाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन पर जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें, इस प्रकार से हमने बना लिया है। अब जो सेकंड फ्लावर से नीचे वाले फ्लावर से उनको हम इसमें जोड़ना है हमें। यहाँ पे हम उसी प्रकार से धागा लेंगे। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। एक टाका ऊपर से, एक टाका इस फ्लावर से, सेकेंड वाले पार्ट से लेंगे और वापस से हम इसमें काज वाले टाके से इसे कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हम पूरे जाला की तरह, एक जाले की तरह बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए ये जुड़ चुका है। अब यहाँ पे हमें देखना है इसका बैक साइड, लेके धागा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड करके हल्के से टाके के उसके बीच में से हम धागा निकाल देंगे ताकि बनाने में आसान हो जाए, ताकि हमें बार बार धागा चेंज ना करना पड़े। देखिए इसी प्रकार से हमने इसको बनाते हुए जाना है। ये आप काफ़ी सारी जगहों पे बना सकते हैं। देखिए एक यहाँ से लेंगे, इसी प्रकार से आप बनाते बनाते इसको सारा जोड़ देंगे और कंप्लीट कर देंगे। इसका इस्तेमाल आप काफ़ी सारी जगहों पे कर सकते हैं, सूट में कर सकते हैं, साड़ी के जो बॉर्डर होता है वहाँ पे, साड़ी के पल्लू में, सूट के नीचे दामन में, सलवार जो होती है सलवार के बॉटम साइड में, बाजू में, जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन बनाना हो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। देखिए और बनने के बाद भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमने बिना सोल्डरिंग आयरन के बनाया है और ना ही आरी वर्क हमने टाके से इसको कंप्लीट किया है। देखिए इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आगे का हम अगली क्लास में